उत्तराखंड कांग्रेस की आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता देहरादून के निजी होटल में हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। इस दौरान नव नियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को सत्ता का घमंड हो गया है। राज्य सरकार राजनीतिक देश की भावना से कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रही है। साथ ही सरकार बिना जनता की मांग के नए नए कानून बना रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। इस दौरान उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का हवाला देते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड से पांडव पुरोहित, हक हकूधारी सब नाराज हैं। सरकार हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है। यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में अगर जरूरत हुई तो नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं जावो कार्यकारिणी पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से ऐसी टीम बनाने का आग्रह किया था, जिससे बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि 3 और 4 अगस्त को कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस आगामी रणनीति पर मंथन करेगी। इस बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगर उन्होंने जनता के हित की बात उस समय की होती तो उनकी हर बात सुनी गई, लेकिन लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं थी जिनको सुना जाना संभव नहीं था। अगर संभव होता तो भी सुना जाता, लेकिन आपको मैं बता दूं कौन गए। हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वो गए। अब इससे बड़ा पद क्या होता है। मैंने ये कहा कि हमने चाय पी, मैंने ये कहा कि हमने सभी जो समितियां बनी हैं उन समितियों को एक हफ्ते में उनकी कार्य योजना बनाने के लिए मैटर दिया कि ये मैटर है और आपको इस मैटर पे अपनी कार्य योजना बनानी है। ये हाईकमान और हमारे कांग्रेस के संगठन से आपको ये सूची मिली है, ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और अच्छा विचार है तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं, और अगले हफ्ते हमारी जो कोर कमेटी की बैठक होगी आप उसमें अपनी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सिर्फ चाय वाली बात नहीं थी, चाय तो हमने सोचा कि आज आपके साथ पी जाए, अब अभी तक हमने भी चाय नहीं पी है। ऊर्जा क्षेत्र में इतना आधारभूत स्ट्रक्चर को मजबूत किया है कि हम प्रत्येक परिवार को 100 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। आप ये कहा था कि नहीं कहा था, आज से 1 साल या 1.5 साल पहले। और उसके बाद जब हमको लगेगा कि हम और ज्यादा दे सकते हैं तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, 100 से 200 करेंगे, 200 से 300 करेंगे। जो अब कह रहे हैं वो तो नकल कर रहे हैं हमारी। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया जब जब आप उनके इस समाचार को दिखाएं कि भाई ये इतना यूनिट देने की बात कर रहे हैं, तो निवेदन ये है कि इस बात को भी दिखाएं कि कांग्रेस के नेताओं की नकल कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों की नकल कर रहे हैं। उन कमिटियों की बैठक आपने ली, मैं भी उन बैठकों में था, और हमने ये निर्णय किया है कि अगले हफ्ते हम एक कोर कमेटी की बैठक रखेंगे जिनमें इन समितियों के अपने अपने आने वाले समय के लिए योजनाएं ये स्वयं तैयार करके हम उस पर चर्चा करेंगे, उसमें कुछ और एडिशन करेंगे। अगर हमारी कोई जानकारी में कोई बातें होंगी हम उसमें और एडिशन करेंगे, और इस तरह जो सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा हम कमेटी से करते हैं वो सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, वो शामिल किया जाएगा निश्चित। जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर हम ये भी करेंगे कि हम नए लोगों को शामिल करेंगे। जो 10 गए हुए उनको भी कोई शामिल हो सकता है क्या? हाँ जी, बीजेपी में 10 गए वो भी कोई शामिल हो। आप जो है बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी का कोई शामिल हो सकता है क्या? मतलब वो हमारे कांग्रेस की कमेटी बनाने की बात नहीं है। जो आपने कहा कि बीजेपी का कोई शामिल हो सकता है क्या, उस पर मेरा ये कहना है कि अभी इस तरह का कोई विचार कहीं किसी स्तर पर इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अपने अगर ये महसूस करते हैं कि गलती हो गई थी वो अगर उसको समझते हैं, और हमारा हाईकमान अगर इस पर विचार करने को तैयार होगा, हमारे कोर कमेटी के लोग इस पर विचार करने को तैयार होंगे, तो निश्चित रूप में राजनीतिक दलों में दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते हैं, खोले भी जाते हैं। क्यों? हमारी परंपरा में नहीं है कांग्रेस की परंपरा। मैं बीजेपी के लिए इस बात को कह रहा हूं कि 57 होने के कारण मुख्यमंत्रियों को इतना दम आ गया कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जरा रोकूंगा एक मिनट। हमारी कांग्रेस की परंपरा किसी को निचोड़ने की नहीं, सींचने की रही है।
हमने विपक्ष को भी सींचा है, और इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि आदरणीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी जी को मदद करके संसद में पहुंचाने का काम किया। ये सबको सींचने की परंपरा हमारी रही है, अतीत से रही है, और हम उसी परंपरा पर आगे चलेंगे। आपको बताता हूं, हम विकास के पक्ष में हैं, लेकिन विकास करने के लिए किसी बड़े आदमी को खुली छूट नहीं होनी चाहिए। सरकार एक्वायर करे जहां आवश्यकता हो, सरकार एक्वायर करे, और सरकार जिस मकसद के लिए एक्वायर किया गया है उस मकसद को पूरा करे। मैं आपके माध्यम से भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, आपको याद होगा, कितने इन्वेस्टर आए, कितना इन्वेस्ट हुआ, जरा बता दीजिए। मैं तो ये समझ रहा हूं कि वो उस इन्वेस्टर मीट में जितना पैसा खर्च हुआ होगा सरकार का उसको अरेंज करने में, उतना भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, मैं समझता हूं। अगर आपकी जानकारी में है कोई कि भाई इससे ज्यादा हुआ है तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए। तो आपने जो कहा कि भू कानून की बात की है, भू कानून की बात की तीन चार साथियों ने, तो उनका मैं जवाब देता हूं। देखिए ऐसा है, मुझे इस बात का एहसास है कि अतीत में सरकारों ने, जिसमें कि मुख्य रूप से ज्यादातर कांग्रेसी सरकारें रही, जमींदारी विनाश अधिनियम भू कानून आया, उसके अंतर्गत ये हुआ कि भाई जमीनों पर एक ही व्यक्ति का बहुत बड़ा अधिकार न हो, और सबको कमाने खाने के लिए, अपनी खेती पाती करने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए, वो अधिकार आया। उसके बाद धीरे 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 समय बदलता रहा और वक्त वक्त पर अनेक कानून आए, लेकिन जब उत्तराखंड बना और ये हुआ कि मकान बनाने के लिए बाहर के लोगों को भी, जो लोग यहाँ बसना चाहते हैं उनको मकान बनाने के लिए आवश्यक जमीनें वो लोग ले सकें, तो एक सीमित मात्रा में ये हुआ कि भाई चलो ठीक है, इतना उनको मकान बनाने के लिए दे दो, अलाउ कर दो। उसके बाद खंडूड़ी जी की सरकार आई, थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल हुआ, लेकिन ये वर्तमान सरकार ने इसको एक तरफा साफ कर दिया कि नहीं नहीं, जिसको जितनी लेनी हो ये तरीके से आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो यहाँ के मूल वासिंदे हैं, ये उनके सपनों पर चोट है। हमारे पूर्वजों ने जमीनें रखी, जितनी भी रखी, क्योंकि हम तो खैर पहाड़ क्षेत्र से हैं, हमारे पास वैसे ही कम जमीनें होती हैं, लेकिन जितनी भी रखी हम तक संक्रमित की, हम संक्रमणीय अधिकार के भूमिधर हैं, और वो संक्रमणीय अधिकार हमारा इसलिए बचा है कि हमारे पूर्वजों ने उसको इधर उधर नहीं किया, तो आज हम, लेकिन अगर हमें सरकार ये अधिकार दे देगी कि तुम इसका संक्रमण किसी को भी कर दो, तो हो सकता है कि एक दिन हमारी आने वाली नस्लें भूमि विहीन हो जाएंगी। इसलिए हम विपक्ष के रूप में सरकार को चेताना चाहते हैं कि आपने जो गलतियां कर दी उन गलतियों को सुधारिए, आपके रहते हुए सुधारिए, अगर नहीं सुधारेंगे तो जनता, निश्चित रूप में हम जनता से वादा करते हैं कि इन गलतियों को जब हम सत्ता में आएंगे निश्चित रूप में सुधारेंगे, और हमारी भविष्य की नस्लों का जो हक है उस हक को सुरक्षित रखने का काम करेंगे।